बच्चों, आपने पिछले क्लास में हमने सीखा है कि मैच दो पिक्चर को व्यंजन के साथ वर्णों को जोड़कर लिखना। ठीक है, अभी आज हम क्या रिवाइज करेंगे कि दो अक्षरों वाले शब्द, तीन अक्षरों वाले शब्द और चार अक्षरों वाले शब्द। ठीक है, आपको एक ही इसमें मैं रिवीजन कराऊंगी कि दो अक्षरों वाले शब्द, तीन अक्षरों वाले शब्द और चार अक्षरों वाले शब्द। चलिए, अभी मैं यहाँ पे लिखूंगी। देखिए, जैसे पता है आपको, ज अधिक ब यव। ठीक है, ये है दो अक्षरों वाले शब्द। ये है तीन अक्षरों वाले शब्द, अरस। अरस का ऐसा कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं रहता, जैसे ही मैं आपको लिखने के लिए दिखाने के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, खटमल। रिविजन टू लेटर वर्ड्स और थ्री लेटर वर्ड्स। ठीक है, इसको हम इंग्लिश हिंदी में पुनराभ्यास बोलते हैं। ठीक है, तो दो अक्षर वाले शब्द, अधिक स अधिक ब सब। सब मीन्स क्या है? और आ अधिक क अधिक श, क्या है? आकाश। ठीक है, आकाश, जैसे कि आ अधिक स अधिक म अधिक न, आसमान। आसमान मीन्स ऑल्सो आकाश, आकाश मीन्स ऑल्सो स्काई। अनार। ठीक है, या अनार। ये हो गया दो अक्षरों वाले शब्द और चार अक्षरों वाले शब्द का रिवीजन। इसी तरह मैंने आपको बताया था, आपके टेक्स्ट बुक में भी है। देखिए, दो अक्षरों वाले शब्द को जोड़ कर लिखिए, दो अक्षरों वाले शब्द को तीन अक्षर वाले शब्द को जोड़ कर लिखिए, चार अक्षर वाले शब्द को जोड़ कर लिखिए। उसी तरीके से आपको अपने टेक्स्ट बुक में जो है पेज नंबर में भी 11, 12 ऐसा होगा, देखिए, और वहाँ जो है होमवर्क वो आप लिख कर निकालिए। ठीक है, अभी जो है मैं आपको ये वाला बताऊंगी, रिवीजन यानी कि जोड़ कर लिखिए। जोड़ कर लिखिए मैंने कैसे सिखाया था आपको कि यहाँ देखिए, यहाँ है अंगूर, यहाँ है सेब, माफ कीजिए। अच्छा, नाउ एवरीबडी नोज, यस, सेब इन इंग्लिश वी कॉल्ड एप्पल। एप्पल यहाँ पे हिंदी में क्या कहते हैं? सेब। सेब कहाँ पे है? यहाँ पे सेब। ठीक है, यहाँ दूसरा वाला है मैंगो। मैंगो इन वी कॉल्ड आम। आम कहाँ पे? ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। ये क्या है? ग्रेप्स। ग्रेप्स इन इंग्लिश वी कॉल्ड ग्रेप्स, इन हिंदी व्हाट वी कॉल्ड अंगूर। ठीक है, अभी है आखिरी जो बचा है मछली। मछली इज इन फ्रंट ऑफ दैट वर्ड। ओके, ये हो गया है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, अभी जो है गिनती मैंने सिखाया था, रिपीट करने के लिए बोला गया था कि आपने किया नहीं है शायद किसी ने भी। चलिए, उसको गिनती को एक से मैंने कहाँ तक सिखाया है वहाँ तक गिनती आपको कंप्लीट
काउंट करके अपने मम्मा को बताना है या तो अपने पापा को बताना है, या कोई भी दीदी भी है तो दीदी को भी आप बता सकते हैं, लेकिन बताना ज़रूरी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये रहा आपका रिवीजन, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे दूसरा जो है टेक्स्ट बुक में वो। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।